हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग थर्ड्स गार्डन टिप्स एंड लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं नर्सरी से कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लाए हूँ, इसका बारे में आज बात करूँगी और इसको कैसे अच्छा ब्लूमिंग के लिए और अच्छा ग्रोथ के लिए कैसे पिंचिंग करें और नर्सरी से लाया हुआ प्लांट्स कैसे हम पॉट में कौन सा पॉटिंग सॉइल दे करके इसको लगाएं, इसका बारे में हम बात करेंगे। पहले मेरा प्लांट्स देख लीजिए, मैं कौन सा प्लांट आज नर्सरी से खरीद कर लाई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं नर्सरी से जो प्लांट्स लाई हूँ, मैं 10 प्लांट्स लाई हूँ और इसको हिंदी में बोलते हैं गुलदाउदी और इसको सेवती का प्लांट्स भी बोलते हैं, लेकिन ये इसका और नाम है क्या जानते हैं? इसका नाम है क्रिसेंथेमम। ये बिलोंग करता है अस्ट्रेसिया फैमिली को। ये ज़्यादातर ठंड के मौसम में ये ब्लूमिंग करता है। इसको एक्समस फ्लावर भी बोलते हैं क्योंकि एक्समस का जो दिसंबर 25 को जो होता है ना, जो हमारा जो बोलते हैं बड़ा दिन मनाते हैं, उस टाइम में वो ज़्यादा बहुत ढेर सारा ब्लूमिंग करता है, इसलिए इसको एक्समस फ्लावर भी कहा जाता है। और इसको ग्रो करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हैवी फीडर प्लांट है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, इसको फीडिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम नर्सरी से देखिए ऐसा वाला प्लांट सब देखिए। मैं 10 प्लांट लाई हूँ डिफरेंट कलर में, दो दो कलर है, मैं दो दो कलर का हर एक को लाई हूँ। इसको कैसे पिंचिंग करेंगे और कैसे इसको हमारा पॉट में कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये हम आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट्स को मैं लगाने के लिए मैं यहाँ पे 8 इंच का प्लांटर यूज की। ये देखिए, मैं ये अमेजन से खरीदी थी, ये वाला फ्लावर प्लांट के लिए मेरे को सुविधा लगा, मैं इसमें लगाऊंगी। और इसका पॉटिंग सॉइल आप कैसा लेंगे जानते हैं? आप इसका पॉटिंग सॉइल आप ऐसे जैसे कि सब प्लांट लगाते हैं, जनरल प्लांट्स जैसे लगाते हैं, इसी तरह ही आप मिट्टी का इसको बना लीजिए। लेकिन इसमें जब लगाएंगे इसको, ये प्लांट्स को ज़्यादातर बालू ज़्यादा पसंद करता है, वो सैंड जो रिवर सैंड है वो पसंद करता है, इसलिए आप 50% मिट्टी और सैंड मिला लीजिए 25-25 करके। इसके बाद इसमें खाद, गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो उसको, और नीम खली, फंगीसाइड पाउडर, ये सब मिला करके आप इसको आपका पॉटिंग सॉइल कर लीजिए। इसके बाद इसको लगा लीजिए। ऐसे इसको नर्सरी से लाया हुआ प्लांट से देखिए तो ऐसा है, इसमें दिया हुआ है एक पॉलीथीन में लगा हुआ है, नर्सरी वाला प्लांट से। इसको हम कैसे लगाएंगे? पहले इसको एक को काटेंगे, इसको काटेंगे। देखिए ये भी अच्छा मिट्टी में लगा हुआ है, तो कोई गीला मिट्टी नहीं है, ये भी बल्ली, इसमें भी ज़्यादातर बालू है, अच्छा मिट्टी है, इसको हम लगा सकते हैं। इसमें इसको कोई ज़्यादा फार नहीं पहुँचाएंगे, इस तरह हम निकाल देंगे इसको और इसको थोड़ा सा इसको इस तरह कर देना चाहिए क्योंकि ये पूरा टाइट है। इसको थोड़ा हल्का सा इसका मिट्टी को निकाल देंगे, फिर इसको हम इस तरह इसमें रखेंगे और कुछ नहीं करना है। हमको ये जो हमारा सॉइल है फिर इसमें हमें इसमें डाल दें। मैं अपना पॉटिंग सॉइल बना के हर प्लांट के लिए सो पहले शुरू कर रख लेती हूँ, मेरा यहाँ पे मैं बना के रखती हूँ, इसको मैं यूज करूँगी। ये देखिए, मैं इसमें इसी को ही यूज करूँगी। इसमें नीम खली है और वर्मी कंपोस्ट है, गोबर का खाद है, लीवर सैंड है और जो हमारा जो गार्डन सॉइल वो पूरा अच्छा से मिक्स किया हुआ है। लेकिन इसमें रिवर सैंड का मात्रा ज़्यादा देंगे और खाद ज़्यादा देंगे, गोबर खाद। इसमें हम ज़्यादातर हम गोबर खाद ही दिए हैं और वर्मी कंपोस्ट इतना नहीं यूज किए हैं, गोबर खाद ही दिए हैं। मेरा सॉइल पहले से ही मिक्स में बना के रखी थी, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर इसको लगा दी। मैं सारा प्लांट्स आपको लगा करके फिर दिखाऊँगी। और इसको तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सारा प्लांट्स लगा ली और अभी इसमें पानी दे देते हैं। इसमें पानी हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। अभी नया
प्लांट्स आप लगाए हैं इसमें ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। जब वो अच्छा से जम जाए तो दो दिन के बाद आप इसमें पानी दीजिएगा। और इसको ग्रोथ करने के लिए आपको क्या है, देखिए अभी नया प्लांट्स है, नर्सरी से लाए थे, देखिए इसको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये इसमें ज़्यादा ब्लूमिंग चाहते हैं और ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं तो इसका जितना एज ऐसा है इसका टहनी भी ज़्यादा होना चाहिए। इसका जितना अच्छा ब्रांच होगा उतना आपको फ्लावर देगा, अगर कम ब्रांच आएगा तो आपको कम फ्लावर आएगा। इसलिए आप देखिए यहाँ से आप इसको, ये देखिए ये जो पत्ता, दो दो पत्ता निकल रहा है, इसको आप इस तरह पिंच कर दीजिए। ये देखिए इसमें अगर पिंच कर देते हैं इस तरह, ये देखिए इसका इस तरह आप पिंच करते रहिए। इसको जब पिंच कर देंगे ये यहाँ से दो ब्रांच निकल आएगा, यहाँ से दो आ जाएगा, फिर ये दो आ जाएगा। आप इसको पिंच इस तरह करते रहिए, सारा प्लांट में इस तरह पिंच कर दीजिएगा। इस तरह पिंच कर देने से वो आपको ज़्यादा ब्रांच देगा और आपका जो गुलदाउदी का प्लांट्स जो है ज़्यादा ब्लूमिंग होगा। अब देख लीजिएगा मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह का, ज़्यादा आपको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसको जितना पिंचिंग करेंगे उसका ब्रांचेस आपको ज़्यादा उतना ही मिलेगा, तो इसमें हर जगह आपको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा पिंचिंग हो गया, पानी दे दिए, ये आपका नर्सरी से लाया हुआ प्लांट आपका लग गया। फिर से आपको एक बार फिर से इसका पॉटिंग मिक्स का बारे में बता देती हूँ। आप इसमें 25% आपका रिवर सैंड और 25% गार्डन सॉइल, और बाकी आप खाद लीजिएगा 50%, जैसे नीम खली, गोबर खाद और आपका फंगीसाइड पाउडर, और इसको ये सब मिला करके आप एक भाग 50% कर लीजिएगा, और 25% सैंड रिवर सैंड एंड 25% गार्डन सॉइल दे करके आप इसको पॉटिंग सॉइल रेडी कर लीजिए और प्लांट लगा दीजिए। फ्रेंड्स मेरा आज का जो ये जो मेरा प्लांट्स आप लगाने के बाद मेरा अपडेट आप पाने के लिए मेरा पार्ट टू वीडियो जल्दी आने वाला है, इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू थॉट्स न्यू टिप्स के साथ। बाय।